नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल। मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक निवेदन करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। मित्रों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए एक ऐसा मंत्र जो विवाह में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध हो उनको तोड़ता है, किसी भी प्रकार की बाधा हो उसे मिटाता है, किसी भी प्रकार का व्यवधान हो उसका निवारण करता है। लड़का हो या कन्या हो, किसी के भी विवाह में यदि अकारण प्रतिबंध आ रहे हो, अकारण बाधाएं आ रही हो, तो आपको जो आज मैं मंत्र बताऊंगा इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। मेरे एक मित्र थे, उनकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, काफ़ी वो परेशान थे। बहुत जगह उन्होंने लड़के की तलाश की लेकिन ढंग का कोई लड़का नहीं मिल रहा था, बहुत बाधा आ रही थी। तो मैंने उनसे, उनकी कन्या से इस मंत्र का अनुष्ठान करवाया, उन्होंने अनुष्ठान विधि पूर्वक किया और बहुत शीघ्र उनको इसका सुफल मिला, अच्छे बच्चे से उनका विवाह हो गया। आज वो सुखी संतुष्ट अपने जीवन में है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में भी कोई भी प्रकार की ऐसी परेशानी हो तो आपको इस मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन में अवश्य देखना चाहिए। क्या है ये मंत्र, अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, किसी भी महीने की हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र, किसी वैसाख, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इस मंत्र को शुरू करना पड़ता है। इस मंत्र को शुरू करने से पहले क्या करना पड़ता है, माता गौरी जो होती है, पार्वती माता की एक तस्वीर ले लीजिए, उसे लाल कपड़े पर बाजोट पर उनको स्थान दीजिए। स्थान दे करके क्या करना है, पंचोपचार उनकी पूजा करनी है। उनकी पूजा नैवेद्य, पाद, अर्घ आदि से, दीपक दिखाकर, धूप, सुगंधित पुष्पों से, आप जैसे सरलतम तरीके से अपना पूजा जो कर सकते हैं वैसे माँ गौरी की पूजा कीजिए। माँ गौरी की पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है, इस मंत्र का 21 दिन तक आपको जाप करना है। चाहे जाप कन्या स्वयं भी कर सकती है, और यदि किसी वर की कुंडली में, किसी लड़के की कुंडली में दोष आ रहा है या लड़के के विवाह में दोष आ रहा है तो लड़का स्वयं भी कर सकता है, स्वयं ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लड़का हो या कन्या हो, जो कोई भी इस मंत्र का जाप कर रहा हो उसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एक तो उसे इन 21 दिनों में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य से बिल्कुल उसको दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई भी हो उसके सामने उसे क्रोध से बचना चाहिए, उसे भूमि पर सोना चाहिए। जब तक ये जाप उसका चालू रहे उसे भूमि पर सोना अनिवार्य। भूमि का अर्थ है भूमि के ऊपर आप अपना दरी वगैरह, चद्दर वगैरह कुछ बिछा करके भूमि पर आप सो सकते हो, इसे खटिया पर सोना वर्जित माना जाता है। और कम से कम आहार लेना चाहिए, मतलब यदि एक समय भोजन करें तो भी ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह से इसका पालन किया जाता है। उत्तर दिशा में मुंह रख करके इस मंत्र का जाप होता है। तो इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन आपको 21 दिन तक जाप करनी पड़ती है। यह मंत्र क्योंकि एक साबर मंत्र है, इसलिए यह मंत्र किलित नहीं है, प्रतिबद्धित नहीं है, आबद्ध नहीं है, इसलिए इस मंत्र का परिणाम भी आपको शीघ्र मिल सकता है। तो आप पेन पेंसिल लेकर के, कागज लेकर के उस पर इस मंत्र को अच्छी तरह से नोट कर लें। कोई भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, सही सही शब्दों का प्रयोग आप पहले अच्छी तरह से उसको रट लें। रटने के बाद में इस मंत्र का पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और विनय से इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका काम 100% अति शीघ्र हो जाएगा। तो आप नोट कीजिए, वो मंत्र इस प्रकार है, स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा और आप नोट भी कर लीजिए। वो मंत्र है मखनो हाथी जर्द अंबारी, क्या मखनो हाथी जर्द अंबारी, उस पर बैठी कमाल खां की सवारी, कमाल खान मुगल पठान, बैठ चबूतरे पढ़े कुरान, हजार काम दुनिया का करे, एक काम मेरा करे, ना करे तो 333,000 पीर पैगंबरों की दुहाई। ठीक है, मखनो हाथी जर्द अंबारी, उस पर बैठी कमाल खां की सवारी, कमाल खान मुगल पठान, बैठ चबूतरे पढ़े कुरान, हजार काम दुनिया का करे, एक काम मेरा करे, ना करे तो 333,000 पीर पैगंबरों की दुहाई। इस मंत्र का आपको 21 दिन तक 11 माला प्रतिदिन के अनुसार जाप कर रहे हैं।
जाप आपका पूर्णतया हो जाए तो माँ गौरी की तस्वीर को जहाँ से उठाया था वहाँ से अपने पूजा स्थल में या कहीं से भी आपने लिया था वह वापस स्थापित कर दें, और कुछ कन्याओं को आप भोजन करा दें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा, आपको इसका अति शीघ्र हो सकता है कि आपको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो मित्रों आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप तो आपको वीडियो देखने को मिलता है, आप शेयर भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो जाने से पहले मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करते जाएँ, लाइक करें वीडियो को। जय श्री कृष्णा मित्रों।